हम खा न ले। पटवारी जी हमारे ऊपर झूठ का आरोप लगाया है कि हमको मारे। अगर शासन हमको दे दिलाएगी तब हमको संभव लगता है, वैसे नहीं है हमारे बस का। खबर रीवा जिले से है, जहां लगातार भूमाफिया अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। एक जमीन को बेचकर पलट जाना और फिर दूसरे मुर्गे को फंसाना आम बात हो गई है। हम खा न ले। पीड़ित न्यायालय भी पहुंचते हैं, जिन्हें न्यायालय से न्याय तो मिलता है लेकिन उसका पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता, जिसके चलते खरीदार दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। दरअसल ताजा मामला रायपुर करचुड़ियान थाना क्षेत्र के रौरा गांव का है, जहां की रहने वाली विधवा चंद्रकली सोधिया विगत 20 वर्षों से न्यायालय के आदेश को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पति चेतमणि सोधिया सन 2000 में रामकृष्ण अग्निहोत्री से 1 एकड़ 54 डिसमिल जमीन खरीदी थी। विक्रेता ने रजिस्ट्री कराकर कब्जा भी दे दिया, लेकिन जब फसल खड़ी हुई तो गुंडई के दम पर फसल काट लिया और जमीन से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, जमीन के खरीदार चेतमणि सोधिया को कई झूठे मामलों में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया, जिसके चलते 2013 में उनकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए चंद्रकली दर दर की ठोकरें खाने लगी और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रही। हालांकि पीड़िता को तहसील, जिला न्यायालय, कमिश्नर न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक न्याय मिला, लेकिन उक्त जमीन विगत 20 वर्षों से अभी भी रामकृष्ण अग्निहोत्री के कब्जे में है। गत दिवस कोर्ट के आदेश पर दो पटवारियों की टीम चौहद्दी बताने पहुंची और नाप कर पत्थरगड़ी की और पंचनामा बनाया, लेकिन रामकृष्ण अग्निहोत्री, राकेश अग्निहोत्री, भगवान प्रसाद अग्निहोत्री पहुंचे और ट्रैक्टर लगाकर पत्थरगड़ी को उखाड़ कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए 2-3 दिन में ही देख लेने की धमकी भी दी है। एक तरफ आरोपी पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया है, दूसरी तरफ जान से मारने और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। पीड़िता ने मामले की जानकारी रायपुर करचुड़ियान पुलिस को दी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता ने बताया कि जमीन बेचने के बाद आरोपी रामकृष्ण अग्निहोत्री उक्त जमीन को अपने भाई से बदला कर लिया और अब तरह तरह के बहाने बनाकर मामले को न्यायालय में ले गया, जहां से न्याय मिलने के बाद भी सरहंगई के दम पर कब्जा किया है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता ने क्या आप बीती बताई है और फिर सुनाएंगे किस तरह से नाप करने पहुंचे पटवारियों के जाते ही आरोपियों के द्वारा क्या धमकी दी गई है। बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं हाथ काटने को बोल रहे हैं। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं अभी? हाथ काटने को बोले हैं। क्यों हाथ काट ले? हाथ काटने को बोले हैं। हाथ काटने को बोले ये हाथ काटा के बोला था। अरे झूठ झूठ कर हमारे ऊपर केस लगाए रहा। सर सर ये मैं जानता हूँ कितनी बड़ी बात है सर, हाथ काटने को बोले। एक मिनट बोले बात करना। अबे झूठ झूठ कर हमारे ऊपर केस लगाए रहे। अबे झूठ लगाई थी भाई। सुनो अभी अभी मैं कह रहा हूँ, अभी किनारे हो जाओ। चलो अभी इनको सुनाते हैं। ये अभी पटवारी जी हमारे ऊपर झूठ झूठ आरोप लगाया था। अभी ठीक है, ठीक केस लगाया है। हाँ, ये मैं बार बार बता रहा हूँ सर, पता है यहाँ इन्हें झूठा केस लगवाया है कि हमको मारे। कुलदीप में उकसाया, उन्हें हाथ काटने के लिए बोला, आप उनको शांत करवाइए। क्या बोले क्या बोले थे सर? एक बात आप भी एडमिट करेंगे कि ये बोले हैं कि हाथ काट लेंगे? अरे यार वो दिन भर तुम लड़ोगे, दिन भर करोगे। ठीक है, आप एक सरकारी अहदे से आए हैं, पटवारी हैं आप, ठीक है? कोई दिन भर उठपटाक बात करो, उसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने खेत में कुछ भी कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन करने वाले नहीं होते हैं। खेत कैसे काट लेंगे ये? तुम्हारा खेत अभी नहीं है, मेरा खेत है। हम भूमि स्वामी हैं इस खेत के। सुनो सुनो, सुप्रीम हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मालिक बना, कागज दिखाइए। फालतू आए हैं, एक से पटवारी जी फालतू आए यहां पे। नाम से कुछ करो ना, नहीं हो जिन्ना रजिस्ट्री करी नहीं। कागज दिखाने अभी संदीप तुम अभी जाओ तुम पहले। फिर भूमि स्वामी बतावे लागे, भूमि स्वामी के कागज है? बोली फेर ओके बात मुंह बस बोला लाग है। चलो ना, हमने दिया ना, नहीं लिखा राम कृष्ण। हाँ काका थे, 1 लाख रजिस्ट्री का नहीं है। कहाँ थी? नहीं आए, नहीं है। कहाँ गई आँखी? कहाँ के आए?
अरे चल यार रीता देव हाथे में ना पाता है या हमारे नाम मम्मी के नाम जमीन जीवन पाज आप प्रशासन देवाई प्रशासन प्रशासन देवाई हो तो बैला है जाके रिपोर्ट का देख लिया जब चौरा बांधा है उनके नाम हम आले यार अरे हो गए चौरा जेखे नाम ही कागज 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 बता कागज कागज बोलता है ना पौधे चले जाने हम ओका उहन से अरे हो गए चला हम तक 3 एकड़ का जनता है जनता का है का हम तो का रिताय देव रिताय देव है हां रिताय के दिखा है हां बस रुक जा हां का तो परो तक हमका रिताय के दिखा है का हम खा न ले हां बस खा लेवे पीना जाता है हमारे चक्कर में न पड़े हो गया हमारा जमीन ऐसे कब्जा कर रहे बस हम ओहू का लीता हूं हां ले लेने ना वो ले लेने यो ले लेने दिन 3 एकड़ आज 20 साल से कब्जा कर रहे हैं ना तो न दे काहे ना देबे या जमीन 3 एकड़ देबे या अन्न पौबे पार देबे बताइए किस तरह से आपने जमीन खरीदी फिर कैसे न्यायालय मामला गया और कौन है लोग जो धमकी देते हैं और आपको कब्जा नहीं देने दे रहे हम जमीन खरीदे रामकृष्ण अग्निहोत्री से 2002 में जी इन्होंने रजिस्ट्री भी करा दिया पैसा भी पूरा चुकता हो गया उसके बाद 1 साल कब्जा भी दिए फिर ये दोनों भाई मिलके मतलब ये 4 भाई हैं 2 भाई मिलके संयंत्र रचे अदला बदली का वो इसके पापा अभी जिंदा थे तो वो अपना लड़ते थे उन्होंने बताया वो कागज भी हम पढ़ी हूँ है ना फिर इसके बाद इन्होंने हम खेत बोए 1 साल चना गेहूँ ये काट लिए रिपोर्ट भी हुई थी इसके बाद फिर नहीं दिए कब्जा तो कब्जा नहीं दिए तहसील से मुकदमा चलने लगा तहसील से हम जीतती गई हाई कोर्ट तक गया मामला वहाँ से पूरे हार यहाँ रीवा के जो आरपी सिंह गुप्ता है और मृत्युंजय सिंह जज हैं जो वहां से पूरा हम जीत गए अभी कल आपको नापने का चौहद्दी बताने का आदेश हुआ था फिर हम नहीं जाती थी मारने पीटने के धमकी देते थे बोलते थे कि आएंगी तो खून की नदियां बह जाएगी पहले बोलते थे ये सब लोग ठीक है हम ये कानूनी प्रक्रिया में लगे थे इसके बीच पापा भी इसके खत्म हो गए ठीक है फिर इसके बाद हम वो किए मतलब नाप के लाने बोले कि भाई हमको पता चल जाए कि मनी है कहाँ है ना तो नक्स बोले वहाँ के तहसीलदार पटवारी वगैरह कि नक्शा तरबीन हो जाएगा तब नापेगा नक्शा तरबीन के लाने लगाए तो इन्होंने बहुत सारी मतलब आरोप लगाए कि ना हो है ना फाइल भी हमारी रायपुर से उठवा दिए कमिश्नर के यहाँ फाइल आई वहाँ से हम जीत गए कमिश्नर साहब फैसला कर दिए फिर फाइल रायपुर वापिस गई वहाँ से तहसीलदार मतलब वो कर दिए आदेश कर दिए नक्शा तरबीन हो गया फिर हम पत्थरगड्डी का आदेश लगाए नपित का 4 महीने बाद ये 2023-2 को निर्धारित किए पटवारी जी उस दिन नापने आए अब नापे पत्थरगड्डी हो गई पथरा भी बकायदे गड़ गया 4 लोग जो हमारे पक्ष में थे आए थे इन्होंने भी फिर आए 3 लोग आए फिर इसके बाद गाली गलौज करने लगे बोले कि हम हाथ काट लेंगे आए तो लगाए है ना हम हाथ काट लेंगे तो हम तो कुछ नहीं बोले है ना भाई हम यह बोले कि भाई हमारे नाम रजिस्ट्री है पैसा दिए हैं हम पूरा जमीन हमारी है 20 साल से कब्जा किए हो तो बोले कि आए हमारा खेत है फिर इसके बाद हम इन्होंने ट्रैक्टर ले आए पथरा उखाड़ के फेंक दिए फिर बहुत सारी धमकी दिए गाली दिए कि 3 दिन में निपटा देंगे देखते हैं ये है वो है ना ऐसा करके इन्होंने हमको रोज आए दिन परेशान करते हैं अब हम घर में अकेली रहती हूँ तो मेरे को डर लगती है ना बिल्कुल मतलब पैसा भी आपका चला गया कौन कौन लोग हैं जो जमीन खरीदी थी क्या नाम है उनका कहाँ के रहने वाले हैं लोग वो रामकृष्ण अग्निहोत्री है जमीन कहाँ है कौन से गाँव की है रौरा कितने में आपने जमीन खरीदा था वो है? कितने में जमीन खरीदी थी वो वह 1,39,500 20 साल पहले 2002 में 20 साल और आज तक आपको कब्जा नहीं मिला आज तक कब्जा नहीं मिला अभी पता चला कुछ आपके बच्चों को झूठे मामले में फंसा देते हैं कभी एक्सीडेंट कभी धमकी देते हैं तो इसके लिए पुलिस से शिकायत नहीं की आप जब ट्रैक्टर से जोड़ दिए थे अभी तक नहीं किए थे फंसाए मतलब झूठा को फंसाए हमने बीच वाले लड़के को है ना तो हो गया हम चलता रहा चल सोचे कि झूठ के ना फंसाए मगर कहा है कि धमकी देते रहे
हमको हमेशा खून की नदियां बहा देंगे। तो अभी जो पत्थर गड्ढी हो गई है आपका चौहद्दी बता दिया गया और ट्रैक्टर से जोत दिया, इसकी शिकायत आपने रायपुर थाने में नहीं की? इसकी शिकायत हम फिर गए थे रायपुर थाने में दी। हाँ। शिकायत वहां के आई कि हमको धमकी देते हैं, जा उनसे मारने के धमकी दी है कि 3 दिन में हम निपटा देंगे, है ना, आए कौन आता है हाथ लगाता है, तो हम रायपुर थाना में शिकायत की हूँ। कुल मिलाकर न्यायालय ने आपके पक्ष में सभी फैसला की, लेकिन गुंडाई के दम पर आपको वहाँ कब्जा नहीं मिल पा रहा? कब्जा नहीं मिल पा रहा, गुंडाई के बाद वो आगे नोतरी है। और गांव वाले जो है तो कोई नहीं बोलते हैं, कहे कि उनसे डरते हैं, तो इसलिए हमसे कोई मतलब वो नहीं करते। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, हमारा जमीन दिवाए, कहे कि हम हर जगह से जीते हैं और हम घर से कमजोर हैं, हमारे बच्चे हैं तो अभी बहुत बड़े नहीं हैं, मैं अकेली हूँ, इसलिए हम डरती हूँ, रोज मतलब डरवाते हैं। आपके पास एक वीडियो भी है जिसमें वो धमकी दे रहे हैं 2-3 दिन में निपटा देंगे, तो ये पुलिस से नहीं बताया आपने थाने? बताई हूँ, बताई हूँ। क्या बोले वो? बोले कि ये देखिए, दिखाई हूँ, देखे हैं, फिर वो बोले कि देखते हैं अब ये अगर पत्थरगड्ढी हो गई है तो तहसीलदार पुष्टि कर दें, फिर हम चल के फिर देखते हैं कब दिलाते हैं, ऐसा बोले। क्या लगता है कि आप 20 साल से लड़ रही थी, फैसला होता गया, तहसील से जीती, फिर जिला से, हाई कोर्ट से, इसके बाद ही नहीं हो पाया, तो लगता है कि आशा की कुछ मिल पाएगा कि फिर से गुंडाई के दम पर ऐसे चलता रहे? नहीं लगता कि जो अगर शासन हमको दे दिलाएगी तब हमको संभव लगता, वैसे नहीं है हमारे बस का।